किसान भाइयों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों 15 फरवरी को जो हमने अमरूद की कटिंग की वीडियो बनाई थी उस समय हमारे 200 सब्सक्राइबर थे और आज है 9 मार्च, यानी एक माह से भी कम समय में आज हम 1100 का आंकड़ा पार कर गए। मुझे बहुत खुशी होती है जब अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस चैनल को चलाने का और जो काम मैंने किया है, जो कर रहा हूं, जो मेरा उद्देश्य था कि मैं किसी न किसी प्रकार से किसी के काम आ सकूं। मेरा बिजनेस का बिल्कुल इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो कुछ आमदनी होनी निश्चित है, और जब निस्वार्थ भाव से करते हैं तो कुछ ना कुछ आमदनी होनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं आपसे अमरूद के बारे में कुछ बातें करूंगा। मुझे लगभग पिछले 6-7 दिनों से 20 कॉल रोज आती है, कुछ व्हाट्सएप पर आती हैं। मैंने एक उसमें अमेजिंग किसान ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है, मेरा एक ही नंबर है 9910336138, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, जिसे अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें अमेजिंग किसान ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इस ग्रुप में जो अभी तक किसान जुड़े हैं वो लगभग हर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से भी हैं, जिसमें कि उनका एक अलग ग्रुप है वेस्ट डिकम्पोजर तमिल ग्रुप, जिन्होंने मुझे अपने ग्रुप का सदस्य बनाया है, और जब वो कुछ बातें मेरे से साझा करते हैं मैं भी उनसे सीखता हूं और वो भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ कर्नाटक से लोग जुड़े हैं जो अच्छी तरह हिंदी बोल लेते हैं, महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, गुजरात से बहुत लोग हैं, राजस्थान से बहुत लोग हैं, किसान भाई हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, और वेस्टर्न यूपी से भी हैं, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश से। कुछ बहनें हैं, बच्चियां हैं जो गार्डनिंग का शौक रखती हैं, जिन्होंने एक दो अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, वो भी बात करती हैं, लेकिन मैं कभी कभी उनके उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि उनकी समस्या विचित्र होती है। और मैं इसका इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ ये चैनल इसलिए शुरू किया था कि जो भी चीजें मैं करता हूं या जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो मैं आप लोगों से साझा करूं, हो सकता है आपके भी काम है। तो आज मैं इसमें आपसे बात करूंगा कि जब भी आप मेरे से कोई अमरूद का सवाल करते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखें। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये अधिकतर समस्या है कि हमारे अमरूद पर फल नहीं आते, ये पहली समस्या है, 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, इस पर फल नहीं। देखिए, जब तक मुझे अमरूद की प्रजाति नहीं पता होगी तो ये भी लिखे कि आपने कौन सी प्रजाति का अमरूद लिया है। जैसे कि आप जो बीज से अमरूद उगाते हैं क्या वो साधारण अमरूद है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप L49 के बीज से जो अमरूद उगाए वो L49 ही देगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अमरूद जो उगाया जाता है या कोई भी फल, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव मेथड, यानी के जो बीज से उगाते हैं उसके फल से उगाते हैं, और एक होता है बाइसेक्सुअल मेथड, यानी कि जो नीचे का तना, जड़ वाला तना होता है वो किसी और अमरूद का होता है, और जो ऊपर का तना होता है, ऊपर की जो डंडी होती है जिसे हम ग्राफ्ट बोलते हैं, वो किसी दूसरे अमरूद की। तो तना किसी भी अमरूद का हो उसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे L49 की डंडी ले ली, तो किसी भी बीज से लगा हुआ अमरूद हो अगर उस पर ग्राफ्ट कर देते हैं उस पर L49 का ही बीज आएगा, और ये बहुत अच्छी विधि है। जितने वर्ष के पेड़ की डंडी होगी तो उतना ही उसकी उम्र मानी जाती है अमरूद के पेड़ की। तो अगर वो 3 साल का पेड़ है तो समझिए कि वो जो डंडी से जो शाखाएं निकलेंगी वो ऑलरेडी 3 साल का हो चुका है, तो अमरूद निश्चित ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ये तो भैया पहला तरीका। दूसरा क्या है इसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी खाद का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन और जो कटाई का प्रबंधन है वो समय से करें। जैसे मैंने बताया था
कि हमारे यहां जो नॉर्थ इंडिया में है और पूरे भारत में अधिकतर दो बहारें ली जाती है। एक बहार जिसपे फल फूल हमारे जो है ना फरवरी मार्च में आते हैं, फल फूल आते हैं फरवरी मार्च में, और ये जो फल हैं ये हम बरसात के टाइम समय पर आते हैं, जिसको के हम अंबे बहार के नाम से जानते हैं। और दूसरा है जिसमें जुलाई में अगस्त में फूल आते हैं और नवंबर दिसंबर में फल आते हैं, जिसे हम मृग बहार के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको बरसात के मौसम के फल लेने हैं तो आपको निश्चित रूप से उसकी कटाई अधिकतम 15 फरवरी तक कर देनी चाहिए। कटिंग किस प्रकार करते हैं इसकी एक डिटेल वीडियो, और जब मेरा पेड़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो मई में मैं कटिंग करूंगा जब मैं डालूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पहली कटिंग 2 फीट से ज्यादा 2.5 फीट पर हो जानी चाहिए सिंगल उसकी। वहां से जो शाखाएं निकलेंगी पहली कटिंग के बाद जो शाखाएं निकलेंगी वो हर शाखा को फिर आप जो दूसरी कटिंग करेंगे 1 फीट से कर दीजिए। मुझे कुछ भाइयों ने दिखाया है जो एक बिहार से हैं एक उत्तराखंड से हैं, तो उन्होंने अपने पौधे की जो बढ़ोतरी हो रही थी वो बहुत ऊंचाई से कर दी थी कटिंग। तो जब उसकी जहां से 2 शाखाएं चलती हैं तो उसकी एक नहीं तो अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो 1.5 फीट से कर दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपकी वो डंडी 5 फीट की या 4 फीट की हो गई तो ये देखें जो तीसरी डंडी होगी वो कितने फीट की हो जाएगी, कितना बड़ा पेड़ होगा। और ये भी देखना है कि पेड़ हमारा मजबूत हो। अगर डंडियां बड़ी हो गई पेड़ का तना मजबूत नहीं हुआ तो पेड़ को इतनी खुराक नहीं मिल सकेगी और पेड़ इतना वजन भी नहीं ले पाएगा, ये भी जरूर नहीं। क्योंकि अगली बार मैं आपको पेड़ से अधिक फल कैसे लेते उसमें कितने प्रकार से हम उसकी जो उसके कई तरीके हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि मैंने अभी वो अपनाया नहीं है, जब वो तरीका मैं अपना लूंगा तब मैं उसको बात करूंगा, क्योंकि उसके कई तरीके हैं। लोग बताते हैं कि उसमें जैसे आप जो है ना कटिंग करके करते हैं, कटिंग से क्या होता है कि नई डालियां आती है और अमरूद पर फल हमेशा नई डाली पे लगता है, जो पुरानी डाली हो चुकी उस पर कभी फल नहीं लगेगा, इसलिए उसका ज्यादा लालच मत करिए, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ने दीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 फिट भी 1 साल से 1 फिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी कटिंग करते रहिए। तो जब भी आप मुझसे सवाल पूछते हैं बताएं आपका बीज से बना हुआ पौधा है या आपका ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, कहीं से भी वैसे ही मत लीजिए, थोड़ा पता करिए कि कौन सी वैरायटी का है। हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया में पर्टिकुलरली L49 बहुत अच्छी वैरायटी है, अलाहाबादी सफेदा है बहुत अच्छी वैरायटी है जो खाने के काम आती है, हिसार सफेदा है और ललित है, ये बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। आजकल लोग जो है ना ज्यादातर ताइवान पिंक ताइवान सीडलेस इन अमरूद पर जाते हैं, लेकिन मैंने जब एक कुछ लोगों से पूछा जहां पर मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने अमरूदों को, तो उन्होंने बताया कि त्यागी जी ये तो ठीक है लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं है, हमें तो ज्यादा अच्छा नहीं। क्योंकि मेरा जो इसको अमरूद को बेचने का जो तरीका है जो मैं सोच रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं कामयाब हूंगा या नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने का कि मैं उन्हें डायरेक्ट बेचूंगा और उसकी बहुत अच्छी वैरायटी बनाऊंगा, मतलब उसको ये करूंगा कि उस पर कोई पेस्टिसाइड ना लगे उस पर कोई दाग ना लगे, बहुत अच्छा अमरूद लोगों को खाने को मिले। और जब किसी को अच्छी चीज मिलती है तो उसके पैसे भी लोग अच्छे देते हैं, लोगों के पास ऐसे समझदार लोग भी हैं और ऑर्गेनिक को आजकल बहुत अच्छी तरह से मानना है और इसको सपोर्ट भी करते हैं। किसान भाइयों इस तरह से आप अमरूद का ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बरसात के फल लेने हैं तो उसकी निश्चित रूप से फरवरी के मैक्सिमम 20 फरवरी तक आपकी कटिंग हो जाएगी, वैसे तो मेरे हिसाब से तो 10 फरवरी के बाद में ही करनी चाहिए। अब कुछ कहते हैं जी हम कर दें, भाई देखो मैं भी निरुत्तर सा हो जाता हूँ कर दो या नहीं करो, अब आप छोड़ दीजिए, अब आप उसकी मई के 15 मई के बाद कटिंग करिए ताकि आप उसकी जो मृग बहार है वो ले सकें और अब उसमें प्रबंधन ना करें। जिन भाइयों ने अभी कटिंग नहीं की है वो क्या करें, खेत को उसकी बुहाई कर दे, खेत की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दे और उसके पास सूखा रहने दे, उसमें ज्यादा पानी मत दे, पानी अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा एक बार बहुत हल्का पानी दे। अगर आप उसमें पानी नहीं देंगे अब 2-3 महीने तो आपका अमरुद क्या होगा, वो जितनी एनर्जी मिलेगी उसको संचित कर लेगा अपने, यानी तने मजबूत हो जाएंगे।
और जब मई के 15 मई के आसपास आप उसमें खाद करेंगे, खाद डालेंगे और कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद जो खाद डालेंगे और तब अच्छी तरह पानी दीजिए, तो जो बरसात से पहले कल्ले निकलने शुरू होंगे वो बरसात आते ही बहुत अच्छी तरह उसमें फुटान होगी और उसमें बहुत फूल आएंगे, और जितने फूल आएंगे तो उतने ही आपके पौधे वो अमरूद लगेंगे। तो ये आपकी अंबे बहार जो सर्दियों में जो मृग बहार है जो सर्दियों में आता है बहुत अच्छा फल होता है, और उस टाइम जो बेचने वाले होते हैं उनको उसका प्राइस भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप या जो गृहणियां हैं या जिन्होंने शौक के लिए अमरूद लगाया गया घर पर, वो ये जरूर बताएं कि कितने वर्ष का पेड़ है, उसकी क्या स्थिति है, व्हाट्सएप पर एक फोटो भेज दीजिए उसको, और उसको जो है ना वो किस प्रजाति का पेड़ है यह भी बताएं। दूसरा सवाल जो मेरे से बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि जी मैं एक एकड़ का बाग लगाना चाहता हूं तो कितने अमरूद लगेंगे और कितने पैसे की पौधा आएगी, प्रति पौधा किसका होगा। अब देखिए, ये तो अनिश्चय आपको करना है, ये तो जो इसका उत्तर आपको देना है, और इसका जो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मेरे इलाके में आप आसपास देखिए, अगर कोई किसी ने अमरूद लगाया हो तो उससे बात करिए, नहीं तो अपने आसपास के विज्ञान केंद्र से पूछिए, नर्सरी वाले से, हमारे यहाँ कौन से पेड़ लगते हैं। और अगर ये भी पता नहीं लगता है तो आप निश्चित रूप से पता करिए हमारे इलाके में कौन से अमरूद की मांग ज्यादा है। आपको बेचना भी तो है ना अमरूद, ऐसे तो है नहीं कि भाई आपने अमरूद लगा लिया और जब अमरूद आने लगे तो बेचेंगे कहाँ पे उस टाइम जो है। तो प्रत्येक इलाके के लिए एक अमरूद कोई ना कोई वैरायटी बहुत अच्छी होती, तो ये पता आप करिए। और जब आपको ये पता हो जाए कि मुझे कौन सा अमरूद लगाना, तब आप ढूंढिए, इंडिया मार्ट पे, गूगल पे भी बहुत पौध मिल जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको सरकारी नर्सरी से मिले। अगर सरकारी नर्सरी से नहीं मिलता है पौधा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रबंध कर रहा हूँ। और देखिए, पैसे की बात जहां तक है, प्रति पौधा इसका कोई रेट ऐसा फिक्स नहीं है। कुछ नर्सरियां हैं 50 रुपए का सेम पौधा देती हैं, 60 रुपए का देती हैं, कुछ लोग उसको 100 रुपए का भी बेच देते हैं, कुछ लोग 150, मुझे बताया 150 का बेच देते हैं, और कुछ उसे 15 रुपए का देते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो मैं जो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब हम पहली बार लगाने, भाई 150 रुपए भी हम नहीं खर्च कर सकते, 100 रुपए भी नहीं कर सकते, और 15 रुपए का हम लगते हैं कि हमें अच्छा, हमें पौधा अच्छा चाहिए जो अच्छी ग्राफ्टिंग का हो, 1 फीट से ऊपर उसकी ग्राफ्टिंग ना हो, और उसका हमें यह रहे कि इसकी वैरायटी बहुत अच्छी। तो एक मेरे सहारनपुर में है एक नर्सरी, मैंने उससे किया है कि भाई मैं तेरा नाम जब रिकमेंड करूंगा, जब मुझे ये पक्का बताओगे कि ये पौधे बिल्कुल किसी के साथ धोखा नहीं होगा। और एक मल्ली है बाद में है, अगर एक दो को मैंने बताया भी है, बात आप करिए सीधी उनसे, और अगर मुझे बताते हैं तो मैं लाकर उनको ठीक भी रख सकता हूं पौधों को, और यहां से भेज दूंगा। लेकिन देखिए, पैसे का मामला है, अगर आपको इसमें थोड़ा तो विश्वास करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आपको जो है ना अच्छा पौधा जो है ना 40 से 50 रुपए तक मिल जाएगा, 50 रुपए तक पौधा मिल सकता है। तो ये निश्चय आपको करना है पहले। अब जो अमरूद लगते हैं वो कई उसकी तरह से लगते हैं, जैसे जनरली 18 फीट बाई 18 फीट पर लोग लगाते हैं, 12 फीट बाई 12 फीट पर लोग लगा, लेकिन जो इजरायली मेथड है आजकल हाई डेंसिटी पर लगा है, जैसे मैंने लगाया गया 8 फीट बाई 6 फीट पर लगाया गया। कुछ लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाते हैं जो 3 फीट बाई 6 फीट पर लगता है। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सा अमरूद लगाना है। जब हाई डेंसिटी पर लगाएंगे उसकी कटिंग बहुत ज्यादा करनी है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगाएंगे ध्यान बहुत रखना। तो मैं तो हाई डेंसिटी पे गया हूं, तो 8 बाई 6 पे लगाया हूं, जो कि बहुत अच्छी है। और मैंने उसमें दूसरी इंटर क्रॉप भी ली है, पिछली बार मैंने सरसों लगाई थी, अमरूद नहीं, जो नींबू के बीज थे उसमें लगाई थी। तो आज के लिए इतना ही, अगर अब भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और ये भी कोशिश करिए कि आप इस ग्रुप से जुड़िए, और जो भी समस्या है आप अपनी समस्या अब वहां पर ग्रुप पर लिख दीजिए। कमेंट में जो वीडियो देख रहे हैं उस पर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ ये आपकी कोई समस्या, और उसको व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए। जब मैं शाम को व्हाट्सएप देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि भाई किसकी क्या समस्या है, फिर मैं एक दो जो एक्सपर्ट है उनसे भी बात करता हूं,
अभी एक भाई है हिसार में, उनके अमरूद में निमोटाइड की बीमारी होगी। तो मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा, जो उन्होंने बताया, तो मैंने उन भाई को उनका नंबर दिया कि आप उन्हें समझाओ अच्छी तरह से क्या प्रॉब्लम है, चूंकि वो मेरे से बहुत सारे प्रश्न करने लगे। मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल है, मैं उससे पूछूं, फिर आप कोई प्रश्न पूछोगे। तो मैंने कहा कि मेरे साथी हैं डीआरडीओ में, मैंने कहा सर आप जो है ना उनको थोड़ी हेल्प कीजिए, और उन्होंने एग्री किया कि हाँ मैं हेल्प करूंगा। और मैंने जो हिसार से पवन कुमार जी थे उनको बता दिया कि भाई आप उनका नंबर ले। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं बात करूंगा, ढूंढूंगा, जब मैं एक तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं मना कर दूंगा, मेरे को नहीं आता। तो किसान भाइयों, ये था आज अमरूद की वार्ता। अभी पिछले 4 दिन से मेरी सरसों कट रही है, जो मैंने नींबू के बीच में लगाई थी और जो जिसमें केला लगाने जा रहे हैं वहां पर लगाई थी, वो कट चुकी है और हमने इकट्ठी भी एक जगह कर लिया। कल शायद थ्रेसर आएगा और उसको उसका तीसरा भाग होगा, मतलब कटने के बाद इकट्ठी करके वो थ्रेसर से उसके बीज निकलेंगे। देखते हैं, अच्छी सरसों हुई है तो मैं अगली जो वीडियो है वो नींबू के ऊपर बनाऊंगा कि जो नींबू है, नींबू में दो प्रकार के होते हैं, नींबू हिंदू में जो तो नींबू ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको या इंग्लिश में उसको लाइम और लेमन कहते हैं, लेकिन हिंदी में उनके लिए एक ही शब्द होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है, वो मैं आप सबको समझाऊंगा। इसी के साथ आप सबका ये प्रेम बना रहे, और मैं भी कोशिश करता हूं कि सबके उत्तर दें। तो आप अमेजिंग किसान व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, अपनी समस्या लिखिए, अगर किसी को बात करना है तो आप वहां पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं अवश्य कॉल करूंगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को से नहीं, जिसने भी बात करने की कोशिश की, मैंने किसी से बात नहीं की। अगर फिर भी रह गया हो तो आप वहां पर निकलिए, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपकी सहायता कर मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।